नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आपका स्वागत है सिम टॉक्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ये मेजरमेंट कप जो लोग घर में केक बनाते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि केक के अंदर पानी की कंसिस्टेंसी या फिर मिल्क का जितना भी मेजरमेंट है ना, वो ठीक से करना पड़ता है, वरना केक जो है ख़राब हो जाता है। बटर के लिए, मिल्क के लिए, वाटर के लिए, मैदा के लिए, सब चीज़ों के लिए हमें कप की ज़रूरत पड़ती है, मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। ये एक रेड कलर का है, ऑरेंज कलर का है, और इसके अंदर मतलब ये थोड़ा ऐसा है जैसे इंद्रधनुष जैसा है। बनने के बाद में जब इकट्ठा करते हैं इंद्रधनुष जैसा ये लगने लगता है, देखने में बड़ा खूबसूरत, बहुत प्यारा है, बहुत कम जगह में जगह लेता है और सारे कप एक ही साथ सेट हो जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना पसंद करेंगे। ये सबसे छोटा कप है, ये 50 ml का है, और इससे बड़ा ये 100 ml का है। हर बारी इसके ऊपर 50 ml जो है बढ़ता चला जाता है, और ये देखिए ये इस तरह से इसमें सेट हो गया है, ये गिरेगा बिल्कुल भी नहीं, लॉक हो जाता है। ये 100 ml के बाद में ये 150 ml का है, मतलब 150 ml का है ये पर्पल कलर का जो कप है, और ये ब्लू कलर का जो है ये 200 ml का है, तो ये 200 ml का है। इसके साइड में लॉक है, और ये लॉक में इसी तरह से सारे एक दूसरे के अंदर फिट होते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ऑरेंज कलर का है, फिर ये इससे 50 ml ऊपर हो जाता है, मतलब 250 ml हो जाता है, और ये 250 ml का है, और इसके बाद में ये है 3 ml, 300 ml। अगर आपको जैसे भी बढ़ाना है तो 300 ml के साथ में 50 ml ऐड कर देंगे तो आप 350 ml हो जाएगा। और ये बीच में देखिए लॉक लगाने के लिए इसमें इन्होंने होल दिया हुआ है, यहाँ से इसको आप अच्छे से जो है लॉक कैरी कर सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, कहीं पर भी आराम से हैंग हो जाता है और एक भी कप नहीं गिरता है, आराम से रखा रहता है। बहुत बढ़िया, आप काढ़ा बनाते हैं या केक बनाते हैं, किसी भी चीज़ को नापने के लिए आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा और आराम से इससे मेजरमेंट हो जाएगा। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। इसकी MRP मार्केट में 400 है, मुझे ये 200 रुपीज़ में मिला था, अब से 2 साल पहले मैंने लिया था,